कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री और अधिकारियों के भरोसे चल रहा मध्य प्रदेश में आखिरकार आज शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विकास हो गया है। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले 5 नेता पहले भी शिवराज और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस मंत्रिमंडल में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार को गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ बीजेपी नेता यशोधरा राजे सिंधिया को ही कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को भी कैबिनेट में जगह मिली है। दरअसल बीजेपी नेता यशोधरा राजे सिंधिया पिछली शिवराज सरकार में मंत्री रही हैं। शिवपुरी विधानसभा सीट से यशोधरा राजे 4थी बार विधायक चुनी गई हैं और वह 2003 में शिवराज सरकार में वह वाणिज्य उद्योग और रोजगार मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज सरकार में उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक अकेले सरकार चला रहे थे। ऐसे में एमपी से बिना मंत्रिमंडल की चल रही सरकार को लेकर विपक्ष भी हमलावर था। यहां तक कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली थी। न्यूज़ डेस्क।